नमस्कार दोस्तों, आज हम एक सबसे खूबसूरत जो फ्लावरिंग प्लांट है रोज, उसके बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ है डॉक्टर अक्षय। सर, एक्चुअली ये बात बताइए कि रोज इतना आम जनता में इतना पॉपुलर क्यों होता है? क्योंकि वो खूबसूरत है। एक्चुअली चीज ये है कि रोज बहुत दिनों से, जैसे हम गुलाब बोलते हैं, गुलाब बहुत ही क्लासिकल प्लांट है, बहुत सालों से लोग उसको यूज करते हुए हैं। अच्छा, लोगों ने अपनी एक रोज की लैंग्वेज बना ली है। मतलब प्यार को जताने के लिए मैं रेड रोज दूंगा, व्हाइट में शांति का प्रतीक, ये तो बहुत ही एक हिस्ट्री मिली हुई है, बहुत एक इतिहास है खुद अपना रोज का, बहुत इसकी वजह से, और उसकी एक खूबसूरती की वजह से ही रोज ज्यादा फेमस है। और एक चीज ऐसी है कि उसके बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल है, हर जगह पे आप उसको ग्रो कर सकते हो। अगर इंडिया की बात कर ले तो हम कहीं पे भी उसको उगा सकते हैं। नॉर्थ में भी उगा सकते हैं, साउथ में भी। हाँ, मतलब जैसे कि हमारे जो जम्मू कश्मीर में भी जो गार्डन है उनमें भी रोज मिल जाएंगे, और जो हमारा ऊटी में गार्डन है उसमें भी रोज है। तो एक तो उसकी अवेलेबिलिटी है और ऊपर से वो बहुत खूबसूरत भी है। ओके, ये एक रीजन है कि रोज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में। अच्छा, और इसकी केयरिंग कितनी मुश्किल या कितनी आसान है? मतलब क्योंकि ये है, जैसे हम लोग नर्सरी में जाके देखते हैं, वहाँ पे एकदम खुली सनलाइट में रखे रहते हैं रोज, तो क्या इज इट पॉसिबल कि हम इनको अपने घरों के अंदर भी उगा सकें? मतलब क्या हम इनको इंडोर उगा सकते हैं या सिर्फ बालकनी में या जहाँ पर ठीक ठाक सी सनलाइट है वहाँ पे उगा सकते हैं? एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है। लोग बहुत सारे पूछते हैं कि क्या इसको हम घर के अंदर उगा सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो, ये ऐसे ही खुले में पड़े हुए हैं, बहुत सारी सनलाइट है, कुछ फर्क नहीं। एक्चुअली रोजेस को सनलाइट लगती है, जो धूप होती है वो बहुत ज्यादा लगती है, कम से कम 6 घंटे तो चाहिए फ्लावरिंग के लिए। ओके, सो नेचुरली वो बाहर तो ऐसे ही बढ़ ही जाएंगे आपके गार्डन में। अगर आपको उसको घर के अंदर लगाना है तो आपको ऐसा कोई लोकेशन ढूंढना पड़ेगा, ऐसा स्पॉट देखना पड़ेगा कि जहाँ पे आपके रोज के पौधे को या गुलाब के पौधे को कम से कम 6 घंटे की धूप मिल रही होगी। अच्छा, तभी वो अच्छे से हेल्दी रहेगा या फिर उसको फ्लावरिंग मिल सकती है। ओके, वो केयरिंग आसान है। आपको पॉटिंग मिक्सचर, जो आप उसको गमले भरने के लिए जो मिट्टी यूज करते हो, वो आपको लगेगी, जिससे अच्छे से पानी बाहर निकल के आता हो। ओके, वहाँ पे कीचड़ नहीं बनाना है। ठीक है, आपको एक अच्छे से चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप उसके लिए जो खाद यूज करते हो, जो आप उसमें न्यूट्रिएंट जो प्लांट्स को देते हो, जो खाना होता है प्लांट का, वो ज्यादा लगता है। ओके, जो कॉम्पोस्ट पॉटिंग मीडियम बनाते वक्त हम यूज करते हैं वो ज्यादा लगता है, क्योंकि रोज की रिक्वायरमेंट है और वो फ्लावरिंग प्लांट है। अच्छा, जो फॉयलेज प्लांट होते हैं उनमें थोड़ा कम मैन्योर देना है, लेकिन रोज में तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसको फ्लावरिंग भी होती है और पर्टिकुलरली रोज प्लांट्स को लगता है। अच्छा, खाद ज्यादा लगता है। और कितना मतलब इनको पानी वगैरह देना पड़ता है? और मतलब अगर आप उनको दिखा सके यहाँ पे कि किस तरह का पॉटिंग मिक्स होना चाहिए, जैसे यहाँ पे इन्होंने अभी तो ये नर्सरी में ग्रो किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ आपको अभी अभी पानी दिया है, इसकी वजह से पॉटिंग मिक्स समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखो यहाँ पे नीचे भी पानी बहुत पड़ा हुआ है, इससे पानी नीचे आ रहा है, ठीक है। मतलब आपको इसके जो रूट्स है उसके आजू बाजू में कीचड़ जमा करके उसको खराब नहीं करना, खराब नहीं करना। पॉटिंग मिक्स है, लेकिन ये हमेशा इसको खाद भी देते रहते हैं, इसको केयर करते रहते हैं, ठीक है। सो नर्सरी का प्लांट का ग्रो होना और घर के अंदर ग्रो होना, ये दो डिफरेंट चीज है। अच्छा, आप लोग जनरली क्या करते, नर्सरी में तो ऐसे रखा था, मेरे घर पे क्यों नहीं हुआ? ओके, सो बात ये होती है कि आप उस प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो, वहाँ एक कम्प्लीटली अलग, हम भी अगर यहाँ से इस धूप से अगर हम डायरेक्टली एसी में जाके बैठेंगे तो हमारा सरदर्द होना शुरू हो जाएगा। सो प्लांट्स भी एक लाइव थिंग है। सो थिंग ऐसी है कि पॉटिंग मिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे पानी बाहर निकलना चाहिए और इसको आपको हमेशा देना पड़ेगा। पानी तभी देना है जब ये जो मिट्टी है इसके अंदर वाली, पॉट के अंदर की आपके, वो ड्राई हो जाए, वो सूख जाए, लेकिन बहुत दिनों तक भी सूखा नहीं रखना है। ठीक है, ठीक है, तो आपको केयर करनी पड़ती है, ये देखना पड़ता है कि कब मेरी प्लांट की मिट्टी सूख गई है। आसान तरीका है, उसमें आप जस्ट हाथ लगा के देख सकते हो, अगर वो आपको थोड़ी सी नमी वाली लगती है तो मत दीजिए पानी, और एक दिन रुक जाइए, बाद में एक दिन बाद पानी दे दीजिए। सो आपको बेसिकली ये करना है कि आपको देखना है कि पानी तभी देना है जब वो रिक्वायर्ड है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी पौधे को, स्पेशली रोजेस को पानी देते हुए। ओके, तो एक और मतलब हमारे सभी कस्टमर एक सवाल काफी पूछते हैं कि मतलब मेरा रोज जो है काफी हेल्दी है, ठीक है, अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन उसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं। तो मतलब कि आपको क्या लगता है कि आर दे डूइंग समथिंग रॉन्ग, और मतलब कि क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे? इसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है। मेरा कुछ भी से मतलब है कि
वो आपके प्लांट को आइदर लाइट ठीक से नहीं मिल रही है या फिर आप उसको अच्छे से खाना नहीं खिला रहे, न्यूट्रिएंट्स कम पड़ रहे हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप जो उसको फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। Okay. जैसे कि नर्सरी लेवल में टॉप रोज करके एक प्रोडक्ट है जो स्पेसिफिकली रोज प्लांट के लिए बनाया गया है। अच्छा, वो इसको देख के बनाया गया है कि उसमें जो कंटेंट है वो देने से प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग हो जाए, वो हेल्दी रहे। Okay. ठीक है, क्या होता है जनरली कि लोग कहीं से भी लेके आ जाते हैं कॉम्पोस्ट और डाल देते हैं, अब उसका उसमें नाइट्रोजन कितना है, फॉस्फोरस कितना है, पोटेशियम कितना है, ये बिना देखे अगर वो जो आपने लाया है लोकली वो उसमें अगर नाइट्रोजन ज्यादा है तो आपका प्लांट हेल्दी तो रहेगा, वो ग्रीन दिखेगा। हाँ। लेकिन जो फ्लावरिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है फॉस्फोरस और पोटेशियम के, उसके बारे में लोग सोचते नहीं है। तो आपका प्लांट हेल्दी होता है लेकिन इधर आपके लिए, और आप बोलोगे कि नहीं पॉटिंग मिक्स भी अच्छा है, मैंने बहुत अच्छा बढ़िया क्वालिटी का न्यूट्रिएंट लाया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी क्यों फ्लावर नहीं आ रहा है? तो रीजन है लाइट का। ओके, आपके पौधे को उतनी लाइट नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। अच्छा अच्छा, और कोई स्पेसिफिक सीजन भी होता है क्या रोज के लिए, मतलब इस सीजन में हमको लगाना चाहिए, इस सीजन में फ्लावरिंग आएगी? अगर कंटेनर की बात करें तो कंटेनर में आप साल भर कभी भी लगा सकते हो रोज को। आपको नर्सरी से पौधा लेके आना है और आपको स्टार्ट करना है प्लांटिंग करना। ठीक है, तो कंटेनर में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर टेक्निकली बात की जाए तो टेक्निकली तो ऐसा है कि अक्टूबर के बाद जैसे रेन खत्म हो जाते हैं तो अक्टूबर के बाद में इसका कल्टीवेशन शुरू होता है, प्लांटिंग शुरू होता है। अच्छा। और नवंबर से लेके अप्रैल मई तक इसकी फ्लावरिंग का टेक्निकली आइडियल सीजन है। ओके, सो प्लांटिंग अक्टूबर के बाद जनरली शुरू होती है रेन्स खत्म होने के बाद, बारिश के बाद इसका कल्टीवेशन प्लांटिंग एक्चुअली करना चाहिए। ओके, और एक और चीज काफी पूछते हैं लोग कि मतलब मुझे अपने रोज को प्रूनिंग कितना फ्रिक्वेंटली करना चाहिए, और कोई स्पेसिफिक सीजन है जब हम उसको प्रून करना चाहिए, और कितना इम्पोर्टेंट है ये प्रूनिंग करना? यस, रोजेस के मामले में प्लांटिंग का सीजन अगर कंटेनर में करें तो कभी भी, उसके साथ साथ फर्टिलाइजर और प्रूनिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि फर्टिलाइजेशन होता है। प्रूनिंग इसलिए लगता है क्योंकि रोज में अगर आप जितनी अच्छे से प्रूनिंग करोगे उतना अच्छा वो हेल्दी रहेगा। ओके, ठीक है, तो जनरली फ्लावरिंग के बाद स्प्रिंग में थोड़ी हल्की, और उससे पहले थोड़ा प्लांटिंग के बाद, मतलब जो एक सीजन होता है उसमें करनी चाहिए। ठीक है, प्रूनिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि वो आपके कोई इन्फेक्टेड डेड वाले पार्क से प्लांट के, तो उनको भी उस वक्त निकाला जा सकता है। ठीक है, और मेन इम्पोर्टेंट रीजन प्रूनिंग का ये है कि उससे प्लांट हेल्दी रहता है आपका रोज वाला। अच्छा, तो प्रूनिंग फर्टिलाइजेशन के जितनी ही इम्पोर्टेंट है रोज के केस में। ठीक, ओके, थैंक यू डॉक्टर अक्षय, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।